सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। स्टीम इंजन बनाने के लिए सबसे पहले उसका हम सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर बनाने के लिए मैं एक एल्यूमिनियम का पाइप का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, और जैसे आप देख रहे हैं मैंने जहाँ पर मार्क लगाया इतनी दूरी पर आपको एक होल कर लेना है। तो होल करने के लिए मैं एक ड्रिल मशीन का यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्किप करेंगे तो इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको देखने में छूट जाएंगे। अगर स्किप किया तो आपको उन पार्ट को बनाने में प्रॉब्लम आएगी बाद में, तो आप पूरी वीडियो को देखिए और आपको एक एक पार्ट को समझ में आएगा कैसे बनाना है। तो होल करने के बाद इसमें मैं आपको बताऊँगा और क्या करना है। जिसकी ये देखिए होल हो चुका है हमारा फ्रेंड। अब मेरे इसमें पिस्टन के अंदर जो पिस्टन है हमारा, तो ये पिस्टन मैंने एक लोहे का गोल टुकड़ा लिया है, उसके बाद एक हमारे जो रोड है उसको गैस वेल्डिंग के द्वारा इसमें कनेक्ट किया है। और जो पीछे देख रहे हैं आप, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जाते हैं हमारी पिन विन, उसमें से निकाला है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसका गोल लिया है मैंने, और इसको मैंने गैस वेल्डिंग के द्वारा यहाँ पर गैस वेल्डिंग करवा दी है मैंने। और इसका आप देख रहे हैं ये वाला जो मैंने इसमें पिस्टन अपन डालेंगे सिलेंडर के अंदर, जो ये हमारा मेन पार्ट है हमारा स्टीम इंजन का। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये एकदम फिक्स है हमारा, तो जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल भी इसके अंदर गैप नहीं होनी चाहिए। अगर गैप होगी तो हमारा जो स्टीम है वो लीकेज करेगा और हमारा ढंग से काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स जैसे देखिए मैं इन दोनों होल को अगर हाथ से जिसकी वापस से हमको दिखाता हूँ मैं, जैसे कि मैं इसको वापस अंदर डालता हूँ और खींचता हूँ तो वैक्यूम बनता है। ये वैक्यूम इसलिए बनता है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लोहे की एक एल आकार में एक पत्ती लेनी है। वो आप जैसे देख रहे हैं मैं इसको ऐसे यहाँ पर चिपका दूंगा। तो फ्रेंड ध्यान रखिए दोनों जो होल है, एक तो हमने किया था और जिस पत्ती के अंदर, वो दोनों लेवल में होना चाहिए। तो इन दोनों को चिपकाने के लिए मैं जो हमारा एरोलाइट जो आती है हमारे पास फेविकोल की, वो यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करके ट्यूब को वापस वो लगाऊंगा। फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा जो हमने पेस्ट बनाया है इसको पूरा इस साइड में लगा दीजिए, और बिल्कुल भी गैप नहीं रहनी चाहिए, इसको पूरा अच्छे तरीके से लगाना है आपको। अगर गैप रहेगी तो हमारी जो स्टीम है वो बाद में लीकेज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे ढंग से लगा दीजिए और इसको यहाँ पे चिपका दीजिए। इसको चिपकाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा हमें, जिससे ये चिपक जाए। कम से कम 2 या 3 घंटे तक छोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छे से चिपकने के लिए। उसके बाद ये चिपक जाएगा। प्लाईवुड का टुकड़ा लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं साइज कोई सी भी ले सकते हैं। इसके बीच में एक होल करना है आपको यहाँ पर ड्रिल मशीन से, और जैसे आप देख रहे हैं ये एक मैंने लिया है लकड़ी का टुकड़ा, इसमें नीचे एक होल किया है एक और इस साइड में होल किया है। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसको यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं एक स्क्रू का यूज़ कर रहा हूँ और एक वाइसर जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इन दोनों को यहाँ पर लगा कर इसको जो हमारा लकड़ी का टुकड़ा है छोटा वाला, इसको यहाँ पर हम कस देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं मैंने इस टुकड़े को यहाँ पर कस दिया है। और जैसे आपको क्या करना है, अब जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन जो हमारा सिलेंडर पिस्टन दोनों है, इसको यहाँ पर इसमें कसना है। तो जैसे ये वाला होल और ये वाला होल इधर साइड में रहना चाहिए। तो इसको यहाँ पर लगाने के लिए जो हमने एक होल किया था पहले, उसके अंदर एक हम स्क्रू कसेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको यहाँ पर ऐसे मूव होना चाहिए ऊपर नीचे की साइड में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्रू का यूज़ करेंगे यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं वो इसको यहाँ पर कसना है। ठीक है, तो स्क्रू हमारा ज़्यादा टाइट हो जाएगा, इसके लिए हम एक स्प्रिंग लगाएंगे यहाँ पर इस स्क्रू के अंदर, जो हमारे जो सिलेंडर है उसको दबा कर रखेगी, और अगर थोड़ी आगे पीछे मूवमेंट हो तो वो भी करने के लिए इसको गैप मिल जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर लगा कर इस स्क्रू को उस लकड़ी के टुकड़े में कस दूंगा। तो फ्रेंड जैसे स्क्रू को कस दिया हमने, इस स्क्रू को ज़्यादा टाइट नहीं कसना है क्योंकि हमारा मोमेंट भी होना चाहिए इसके अंदर। तो स्क्रू को ना ढीला ना ज़्यादा टाइट कसना है आपको। और जैसे आप देख रहे हैं इसके बाद ये हमारा जो मोमेंट होगा इसका ऊपर और नीचे की साइड में आराम से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम इसका वाल बनाने के लिए माइका जो होती है हमारी,
उसका यूज़ करेंगे। आप माइका के अलावा और प्लास्टिक का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे माइका का यूज़ करूँगा। तो जैसे आप देख रहे हैं इसके बहुत सारी मैंने माइका के टुकड़े काट लिए, और जैसे कि इसको एक सारे सारे जो टुकड़े हैं उनको एक ही साइज में हमें काटना है, और इन दोनों को आपस में जो हमारा होगा ये वाल बन जाएगा फ्रेंड्स। और इसको अब जैसे कि दो दो माइका के टुकड़ों को आपस में एक जोड़कर हम थोड़ा मजबूत वाला इसका वाल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे चिपकाने के लिए। एक तरफ दो माइका लगाएंगे और दूसरा वाला दो बनाएंगे हमें बनाना है हमें, तो एक तो हम दो माइका को चिपका कर बना देंगे, और जो दूसरा वाला है जो हमारा उसमें तीन या चार माइका चिपका कर बनाएंगे। अब फ्रेंड जैसे आप देख रहे हैं जो हमारा पतला वाला था उसके बीच में हमें एक होल करना है, जो हमारा सिलेंडर के ऊपर का हमें इसको चिपकाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस ड्रिल का यूज़ कर रहा हूँ, मिनी ड्रिल का, जो मैंने खुद बनाई है। अगर आपको देखना है इसका वीडियो तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाई है, और ये भी बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। आपको अगर कोई सा भी वीडियो पसंद आता है तो आप उसको जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कोई भी तो कोई बात नहीं, मत कीजिए सब्सक्राइब। लेकिन फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं जो हमारा इसमें सिलेंडर था उसके अंदर हमें इस माइका को जो हमने होल किया है उसको यहाँ पर चिपका देना है। तो चिपकाने के लिए भी मैं पहले तो इसको हमारा जो बीच सेंटर है इसको एकदम हिलना नहीं चाहिए चिपकाते समय, क्योंकि हिलेगा तो आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको क्या करना है, जो फेविक्विक है पहले तो मैं फेविक्विक का यूज़ करूँगा, क्योंकि बाद में जो हम एरोराइट लगाएंगे उसको सूखने के लिए टाइम लगेगा तो हिल जाएगी बीच में, इसलिए तो मैं पहले फेविक्विक का यूज़ करता हूँ। उसके बाद में हम इसमें एरोराइट लगा देंगे, जो हमने पहले जो लगाई थी हमने वही वाली लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं इसमें अच्छी तरीके से एरोलाइट लगा देंगे हम, ताकि ये जो हमारी इसमें लीकेज जो होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो हमारा कोई भी होल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी लीकेज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे हमारी स्टीम। तो अच्छी तरीके से इसको लगा दीजिए। और फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास तीन कटर ब्लेड हैं, जो हमारा प्लाईवुड जो काटती है वो वाला कटर है, पुराने वाले ख़राब वाले हैं, तो इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं हमारा रोटेटिंग व्हील बनाने के लिए। उसके बीच में मैं एक ये प्लास्टिक का टुकड़ा लगा रहा हूँ, जो हमारा इसका बीच सेंटर जो होगा वो हमें मिल जाएगा। तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो आपको जो मिले। उसके बाद यहाँ पर फेविक्विक लगा दूंगा मैं, तो ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास एक ये स्क्रू है, तो इसको मैं बीच में लगा रहा हूँ। उससे पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक जो टेप होती है उसको भी इसके ऊपर लगा दिया है, ताकि ये मजबूती से इसमें कसा रहे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक बॉल बेरिंग ले रहा हूँ, बहुत ही छोटा वाला बॉल बेरिंग है, आपको शॉप पे मिल जाएगा हार्डवेयर की। उसके बाद लकड़ी का टुकड़ा है, इसके ऊपर इस बॉल बेरिंग को कसना है हमें। कसने के लिए जो लोहे की पत्ती है इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक और स्क्रू का, तो इसको यहाँ पर लगा कर हम इसको कस देंगे। Thank you on the beach.
इसके बाद हमें जो हमारा पिस्टन और सिलेंडर है इसका जो हमें जहाँ तक हमारा पिस्टन जाएगा उसका मिडल पॉइंट ढूंढना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको जहाँ पे हमारा सिलेंडर इसको रखकर जो हमारा पिस्टन उसको इस जो हमने होल किया था उसके बाहर थोड़ा आगे की साइड में खिसका कर वहाँ पे एक मार्क लगा लेता हूँ और एक जो है जो हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ तक हमारा पिस्टन जा सकता है वहाँ का पॉइंट ले लेता हूँ और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है बीच जो मिडल पॉइंट है हमारा वहाँ पर हमारा जो फ्लाई व्हील का जो शाफ्ट है वहाँ पर लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसमें बॉल बेयरिंग जो कसा था उसको यहाँ पर लगाना है, तो उसके लिए मैं इसको एक बीच में एक होल कर देता हूँ उस लकड़ी के टुकड़े में और जो हमारे प्लाईवुड का टुकड़ा है इसके बीच में लगा कर इसे भी चिपका देंगे हम यहाँ पे अच्छी तरीके से ताकि ये हिले नहीं बार बार। आप देख रहे हैं मैंने होल कर दिया इसके अंदर और इसके अंदर भी मैंने एक जो लोहे का टुकड़ा है जो हमारी कील है उसको काट के मैंने लगा दिया और उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से ठोकने पर ये इसमें फंस जाएगा। ठीक है, तो इसको अंदर कील को अब अच्छी तरीके से चिपकाने के लिए मैं एरोलाइट का भी यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं मैंने इसका पेस्ट बनाकर इन दोनों का ऊपर लगाकर इसको लकड़ी के टुकड़े को ऊपर लगाकर इसे सूखने के लिए रख दूंगा मैं। सूखने के बाद जो हमारा होगा जो आप देख रहे हैं मैंने कील का टुकड़ा काट कर इसमें इस होल में फंसा दिया है और अच्छी तरीके से इसमें फंसा देता हूँ मैं ताकि हिले नहीं बार बार और इसमें एरोलाइट जो है हमारी पूरी अच्छी तरीके से इसको पकड़कर मजबूत से जॉइंट बना देगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा ये हो चुका है और उसके बाद जो आप देख रहे हैं मैंने माइका से एक और वो टुकड़ा बनाया था उस टुकड़े के दोनों दो होल कर दिए मैंने और दोनों होल को बीच में मैंने मिला दिया है। तो मतलब इनको तिरछा तिरछा थोड़ा होल करा है, तिरछा होल किया है इनको और बीच में मिला दिया, पीछे से नहीं मिला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस जगह में जो हमारा ये हमारा माइका का टुकड़ा था इसको यहाँ पर हमें लगाना है, इसे चिपकाना ही नहीं बस लगाना है इस साइड में कि ये हमारा उसको जो हमारा सिलेंडर है उसको रोटेटिंग करता रहे लेकिन ये रुका रहे। तो उसके लिए मैं एक जो हमारे मैंने स्टैंड बनाई है उसको यहाँ पे लगा दिया है और जो हमारा जो इसमें गैप दिख रहा है आपको इस गैप के अंदर जो माइका का टुकड़ा है इसको हमें लगाना है। तो जैसे हम यहाँ पे इसको लगाकर फंसाकर इसको चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इसको लगा दिया है यहाँ पर और मैं इसमें एक रोड डाल रहा हूँ ताकि हमारा जो होल है वो आगे पीछे ना सरक जाए और
मैं इसको सेट करने के बाद इस पे के ऊपर फेविक से इसको चिपका दूंगा अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड जैसे हमारा ये वाल भी तैयार हो जाएगा फ्रेंड, और जो हमारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसको वाल करने के बाद मैं इसके ऊपर एक इसके जो ऊपर वाला होल है इसके यहाँ पर मैं एक इसमें जो हमारी ड्रिप जो नली होती है ड्रिप की जो हमारे हॉस्पिटल में काम में आती है उसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और उसको भी इसके ऊपर चिपका कर इसको चालू कर दूँगा। तो फ्रेंड जैसे हमारा इंजन तैयार हो चुका है, मैंने इसमें ड्रिप भी ली है मैंने इसके अंदर, लेकिन अब इसमें कुकर के द्वारा मैं इसमें प्रेशर दे रहा हूँ। जो हमारा कुकिंग जो कुकर होता है भाप, उसमें पानी डालकर इसमें भाप बना रहा हूँ मैं, और बनाने के बाद जो हमारा धीरे धीरे प्रेशर बन रहा है। तो फ्रेंड जैसे आप देख रहे हैं हमारा अभी चलने के लिए तैयार हो चुका है। तो आप इसकी आवाज़ सुनिए बिल्कुल इंजन जैसी है, और ये पूरा स्टीम इंजन ही है फ्रेंड। तो हमारा वाल भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसमें प्रेशर बनेगा और ये तेज़ी से काम करने लगेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज कम कर दी।